हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राइस बड़े। ये चाय कॉफ़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ये। जब भी हम नॉर्मल पकौड़ी बनाते हैं तो वो जैसे जैसे टाइम होता है तो सॉफ़्ट होती जाती है बेसन की पकौड़ियाँ, लेकिन ये जैसे जैसे टाइम होता है और ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं फ्रेंड्स ये चावल के बड़े। इसके लिए हम सबसे पहले चावल भिगो के रख लेंगे। तो मैंने ये एक कटोरी चावल ले रखी, जिसे मैंने दो पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम ये दाल लेंगे, काली दाल है दली हुई, इसके छिकल निकाल रखे हैं। तो एक छोटी कटोरी मैं ले रही हूँ, 2 चम्मच के बराबर इस कटोरी में आते हैं। अब मैं दाल के साथ भी एक पानी से इसे धो ली हूँ। अब हम इसे भिगो के रख लेंगे 3 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, अब 3 घंटे हो गए हैं और दाल हमारी, दाल और चावल अच्छे से भीग गए हैं, ये देखिए। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें ये सारे चावल और दाल डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें दाल स्किप भी कर सकते हैं इस बड़े में, लेकिन अगर आप दाल डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसे पीस लेते हैं मिक्सी में। बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना है हमें अभी। जब हम सेकंड टाइम पीसेंगे तब हमें पानी ऐड करना है और हरी मिर्च और अदरक ऐड करना है। तो ये देखिए, अभी इस तरह का ये बैटर बन के रेडी हो गया है। इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ पहले। तो आप देख रहे होंगे ये कितना थिक है, इसमें हल्के से दाने भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। सेकंड टाइम में हम इसमें 4 मिर्च डाल देंगे और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा लिक्विडी है, इस तरह का बैटर बना के अब हम मिक्स कर लेते हैं। बाउल में डाल के दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कलर के लिए लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, और 1 चम्मच इसमें सौंफ ऐड करूँगी मैं। सौंफ डाइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। राइस से बनी हुई चीज़ों से हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या काली दाल से, तो सौंफ का यूज़ ज़रूर करिएगा। अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। एक तरफ मैंने ऑयल रख लिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं एक स्पून की हेल्प से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर इस तरह से डाल दूँगी। डालने के बाद ये अपने साइज़ से डबल साइज़ में आ जाएंगे, और जैसे ही ये नीचे से पक जाएंगे तो ये तेल के ऊपर से तैरने लग जाएंगे। बहुत ही लाइट हो जाते हैं ये पकने के बाद, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और बाहर से बहुत क्रिस्पी होते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको हाथ की हेल्प से भी डाल सकते हैं, चम्मच की हेल्प से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे बना रहे हैं इनको, तो चम्मच की हेल्प से अच्छे से बन रहे हैं ये। इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इनको पलट लेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये डालते डालते ही डबल साइज़ में आ गए हैं और ऊपर से ये तैरने लग गए हैं। अब हम इनको पलट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, और दाल की वजह से इनके बाहर की जो परत रहती है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तेल को नहीं पीती हैं, तो ये कम ऑयल में ही बहुत अच्छे से बन जाती है। इनका कलर हमें वाइट ही रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे छोटे छोटे राइस बड़े बनके रेडी हो गए हैं। ये हमने दूसरा बैच डाल दिया है और आप देख सकते हैं ये डबल साइज़ में आ गए हैं। इसी तरह से हम सारे बड़े बना के तैयार कर लेंगे, और कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा। इसी तरह से जैसे हमने ये नमकीन बनाए हैं, आप इनको मीठे में भी बना सकते हैं। मीठे में पहाड़ में जैसे अरसे होते हैं, उसी का टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने राइस बड़े बना के रेडी कर लिए हैं। इसे चाय कॉफ़ी के साथ आप खाइए, किसी भी स्पेशल चटनी के साथ या सॉस के साथ भी खाइए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये देखिए, इनका कलर ऐसे ही रहता है, ना तो ज़्यादा डार्क गोल्डन रहता है ना वाइट रहता है, बहुत ही प्यारा कलर इसमें आता है, और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। आप इन्हें मीठे अरसे की तरह भी बना सकते हैं, उत्तराखंड के जो फेमस अरसे हैं,
कैसे लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना, ट्राई करना मेरी रेसिपी को। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी।